सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चे आप कर रहे थे एल्कोहल्स एंड फिनोल्स, एंड येस्टरडे वी स्टार्टेड ऑफ विद सम मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। उस दे अंडर बच्चे आपने दो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कल कवर कीतिया सी, नेमली रीमर-टीमन रिएक्शन एंड कॉल्बिश्मिट रिएक्शन। आप दोनों ही रिएक्शंस दे विच बच्चे कीता सी कि अपने कोल जिहड़ा प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एंड जो सैलिसिलिक एसिड से मैं सूँ क्या कि इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और इसी करके आप उसने स्ट्रैस नाल ते दोनों ही रिएक्शन जिहड़ियां हैगियां रीमर-टीमन एंड कॉल्बिश्मिट, दे आर बोथ लाइक एक श्योर शॉट रिएक्शन फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है ना। अज दी अपनी फर्स्ट हैडिंग इज एप्लीकेशंस, वाई दीज टू रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पढ़निया ने एप्लीकेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड बचे, है ना, कि जेड़ा इन्हों दोनों रिएक्शन के आपको प्रोडक्ट मिले है दैट प्रोडक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो हम देखो, सो एट द सेंटर आप लिखांगे सैलिसिलिक एसिड बचे, ठीक है। सो दिस इज माई सैलिसिलिक एसिड। ये दो फंक्शनल ग्रुप्स मैं क्लीयरली दिख रहे हैं, एक एल्कोहल ग्रुप है OH और एक COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लीयर। सो मैं तीन रिएक्शन करनी ने, सो फर्स्ट रिएक्शन जी मैं कवर करनी है दैट इज विद एसिड डेरिवेटिव, चाहे आप एसिटाइल क्लोराइड ले लो और चाहे आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, बेसिकली जो इसकी करेगा एसिटाइलेशन, ठीक है। दोनों विचों कोई भी एक लै सकते हैं आप। हम देखो ये दोनों एसिड डेरिवेटिव्स है, ये कोल दो फंक्शनल ग्रुप्स है, एक एसिड एक एल्कोहल। तो एसिड प्लस एल्कोहल की होंगे बच्चे एस्टर, है ना। तो हम जिहड़ा एसिड डेरिवेटिव है वह अटैक करेगा एल्कोहल ग्रुप से, जो आप सैकेंड रिएक्शन करांगे, सैकेंड आप करांगे विद मीथेनॉल, तो एक एल्कोहल है ये अटैक करूगा बच्चे एसिड ग्रुप से। थर्ड रिएक्शन आप करांगे विद फिनोल, हुन ए भी एल्कोहलिक ग्रुप है, ए भी अटैक करूगा एसिड ग्रुप से। देखो बच्चे गल नू समझो, है ना, उपर वाली जिहड़ी फर्स्ट रिएक्शन है वह एक एसिड दे नाल है तो एल्कोहल ग्रुप से अटैक करेगा, जिहड़े एल्कोहल्स दे नाल है वह एसिड ग्रुप से अटैक करनगे ते अपने कोल एस्टर्स बन जाएंगे, है ना, एस्टर ग्रुप बन जूगा। सो आप पहली रिएक्शन करते हैं, सो एल्कोहल का की हुंदा है एच, ते एसिड का अगर या तो एसिटाइल क्लोराइड है तो सी एल, अगर एनहाइड्राइड है तो इन्ना सारा पार्ट इट विल गो आउट, और एल्कोहल का एच विल बी रिप्लेस बाय सी ओ सी एच थ्री, मतलब उसकी एसिटाइलेशन हो जाएगी ते अपने कोल की बन जूगा सी ओ ओ एच लग्या रहूगा और उदे नाल ऑर्थो पोजिशन ते लग जूगा ओ सी ओ सी एच थ्री। सो ध्यान नाल देखो, आई होप फाइन। ते आउट की जाऊगा एच ते सी एल मिलके एच सी एल, और अगर एनहाइड्राइड पाया तो सी एच थ्री सी ओ ओ एच, क्लीयर। सो जिहड़ा एक कंपाउंड बन गया बच्चे, एक कंपाउंड का हुण नाम की है देखो। सो अपने कोल फंक्शनल ग्रुप दो हो गए, इस दे विच एक एसिड और एक एस्टर, दोनों विचों की प्रेफरेंस होंदी है एसिड की। सो अपनी नंबरिंग एसिड तो शुरू होके एस्टर वल जाऊगी 1 2, ठीक है। सो मैं अगर बेंजीन दे उपर सी ओ एच लग्या तो नाम की होंदा है बेंजोइक एसिड, सो यह एक बेंजोइक एसिड डेरीवेटिव बन गया, जिसनों आप किदा नेम देवांगे 2-acetoxy, समझ रहे हो ना एसीटॉक्सी का मतलब। देखो एक एसिटाइल ग्रुप है एक ऑक्सीजन, सो एसिटाइल ऑक्सी यानी कि एसिटॉक्सी, 2-acetoxy बेंजोइक एसिड, ठीक है, जिसनों आप कॉमनली अपने घर बोलते हैं एस्पिरीन। हाँ जी, अपने सब दे घर दे विच एक मेडिसिन होंदी है जिनू आप कॉमनली बोलते हैं डिस्प्रीन, सो उसका एक्टिव सॉल्ट होंगे एस्पिरीन, विच इज यूज एज ऑफकोर्स आप डिस्प्रीन कदों यूज करते हैं जो अपन हैडेक हो रहा होवे, सो विच इज़ यूज एज अ पेन किलर, जिसनों आप साइंस की लैंग्वेज टर्म दें एनाल्जेसिक, ठीक है ना। सो इट इज़ अ कॉमनली यूज एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक वर्ड कितों बने जेसिक तो, जेसिया स्टैंड्स फॉर पेन,
ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਨ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਾਲਜੈਸਿਕ ਡਨ ਸੋ 2 ਐਸੀਟੋਕਸੀ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਉਸਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈ ਐਸਪਰੀਨ ਉਸਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੋਰੀ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲੀਸਾਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਮੀਥੇਨੋਲ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਐਚ ਔਰ ਐਸਿਡ ਦਾ ਓ ਐਚ ਜਾਊਗਾ ਆਊਟ ਸੋ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਐਚ ਔਰ ਐਸਿਡ ਦਾ ਓ ਐਚ ਆਊਟ ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਓ ਐਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸੀ ਓ ਓ ਸੀ ਐਚ 3 ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਲਕੋਹਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਟਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੂੰਗਾ ਐਸਟਰ ਅਤੇ ਐਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਕਾਈਲ ਐਲਕੈਨੋਏਟ ਐਲਕਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਐਲਕੋਐਨੋਏਟ ਆਉਂਦਾ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੀਥੇਨੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਥਾਈਲ ਸੋ ਐਲਕਾਈਲ ਹਾਂਜੀ ਐਲਕੈਨੋਏਟ ਫਰੋਮ ਐਸਿਡ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਲੀਸਾਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਸੋ ਮਿਥਾਈਲ ਸੈਲੀਸਾਇਲੇਟ ਸੋ ਆਈ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਨੇਮ ਬਿਕਮਸ ਮਿਥਾਈਲ ਸੈਲੀਸਾਇਲੇਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਲੀ ਕਾਲਡ ਆਇਲ ਆਫ ਵਿੰਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਲੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਇਲ ਆਫ ਵਿੰਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ ਟੂ ਕਿਲ ਆਰਥਰਾਈਟਿਕ ਪੇਨ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਊਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਇਲ ਆਫ ਵਿੰਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਇਓਡੈਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਵੋਲੀਨੀ ਓਮਨੀ ਜੈਲ ਝੰਡੂ ਬਾਮ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਆਇਲ ਆਫ ਵਿੰਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਆਰਥਰਾਈਟਿਕ ਪੇਨ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਫਿਨੋਲ ਦਾ ਸੇਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਐਸਿਡ ਦਾ ਓ ਐਚ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਐਚ ਵਾਟਰ ਆਊਟ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ ਦੇਖੋ ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਓ ਐਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ ਐਸਿਡ ਦਾ ਓ ਐਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਸੀ ਓ ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਓ ਦੇ ਨਾਲ ਓ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਫਾਈਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗੇਨ ਐਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਫਿਨਾਈਲ ਸੈਲੀਸਾਇਲੇਟ ਫਿਨਾਈਲ ਸੈਲੀਸਾਇਲੇਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਲੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੈਲੋਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਲੀ ਕਾਲਡ ਸੈਲੋਲ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੈਲੋਲ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨ ਮੈਡੀਸਨਸ ਬਟ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਯੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬਟ ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਖੁਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਮਰਟੀਮਨ ਐਂਡ ਕੋਲਬੇਸ਼ਮਿਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਕਪਲਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਪਲਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਪਲਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਐਲਕੋਹਲਸ ਐਂਡ ਫਿਨੋਲਸ ਸੋ ਲਿਖੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਡਾਇਐਜ਼ੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਡਾਇਐਜ਼ੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ
ऑरेंज रेड कलर्ड डाई एंड दोज डाइज आर नोन एज एजो डाइज. Those dyes are called azo dyes. So color karan de kam aande hai. So again a very important application. But hun dhyan na suno. Pehla ta reaction kidda hoegi. So this is your diazonium chloride. Benzene diazonium chloride. Main is de vich paya bache phenol. Clear? Is da Cl aur para position da H. It goes out. pH will be maintained 9 to 10. So HCl out ho gaya bache. Te mere kole product kime baneya dekho. So bilkul easy. Main itho likhna shuru kita. Fir aa gaya N double bond N. Apa itthe pahunch gaye Cl ta out ho gaya. Hun agli benzene aa gayi. Te OH. Clear? Eh jehda product ban gaya. Pehla ta isda chemically apa name likhde hain para hydroxy azo benzene. These are commonly called azo dyes. Te a ek orange color da dye hai. Fine. This is an orange color dye. Te yaad rakhna hai jadon aapa amines da chapter karange odon itthe OH di jagah te NH2 lagya hoega. Aniline. Reaction ditto hogi. Bas itthe NH2 lag juga. Te jehda dye da color hoega odon yellow dye hoega. A orange red dye hai. Theek hai. Now this reaction is used to distinguish phenols from alcohols. Phenols de alcohols de vichkar distinguish karan de kam aandi hai coupling reaction. I hope this is easy and fine. Theek hai? So very important reaction. Coupling reaction bache. Ek coupling de vich bhi first part hai. Theek hai na? And very 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 important. So अपने एक होर आइडेंटिफिकेशन कर ली. सपोज एक टेस्ट ट्यूब दे विच अपने कोल कोई भी अल्कोहल है, दूसरी टेस्ट ट्यूब दे विच फिनोल है. आप पता करना है कि केड़ी टेस्ट ट्यूब च केड़ा कंपाउंड है. तो आप बच्चे डायजोनियम सॉल्ट पाओ. अगर ऑरेंज कलर आ गया तो फिनोल है और अगर ऑरेंज कलर नहीं आया तो अल्कोहल है. क्लियर? सो वील मूव टू द सेकेंड कपलिंग रिएक्शन नाउ. रिएक्शन नंबर टू. सो लिखो बच्चे reaction with phthalic anhydride. Reaction with phthalic anhydride bache. Theek hai? So hun dekho bache, pehla ek cheez note karo. Hale eh reaction da part nahi hai, main just sonu samjha rahe hain taki apan nu phthalic anhydride nu ratta na marna pave, hai na? So, देखो दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड. फाइन. जो दो एसिड ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पर लगे हो दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड. दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड. अगर मैं इसनों हीट करके या P2O5 नाल ट्रीट करा. सो देखो मैं इसनों P2O5 नाल ट्रीट किया तो P2O5 की करता होंगे फंक्शनल ग्रुप चो वाटर आउट तो OH इतों तो H इतों आउट हो जूगा. ते अपने कोल बनजू CO CO एंड O. सो दिस इज कॉल्ड थैलिक एनहाइड्राइड. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड. मतलब एनहाइड्राइड ऑफ थैलिक एसिड. हुन बच्चे इस थैलिक एनहाइड्राइड दे विच आपने पाना है फिनोल. इथों अपनी रिएक्शन शुरू होगी. आ मेरा पहला रिएक्टेंट है आ दूसरा. सो मैं फिनोल पाया दे विच. देखो रे आही है ना फिनोल. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਫਿਨੋਲ ਮੋਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਚ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਟਰ ਆਊਟ. ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਬੱਚੇ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਐਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਟਰ ਆਊਟ. ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਐਨਹਾਈਡਰਾਈਡ ਲਿਖ ਲਿਆ. ਦੇਖੋ सो ओ आउट हो चुके हैं. दो बॉन्ड खाली हो गए. सो दोनों फिनोल्स दियाँ जिहड़ियाँ पैरा पोजिशनस खाली हुई ने वो मैं दोनों इत्थे लिखतियाँ. सॉरी ठीक है कुछ नहीं है इत्थे. सो दिस बिकम्स
the coupling product of phthalic anhydride and phenol, and it is a very important compound jisnu tusi commonly sunde ho, and this is known as phenolphthalein. So phenol te phthalic anhydride to phenolphthalein e ki hunda hai bacche, phenolphthalein sonu pata hi hai, ek acid base indicator karde aa rahe ho na shuru to, acid base titrations layi pink to colorless ya colorless to pink, e use phenolphthalein da structure hai, theek hai na, which is a commonly used acid base indicator bache, theek hai na. So with this we complete our coupling reactions. Dono coupling reactions important hai bache, but azo dyes wali zyada important hai, theek hai na. Phenolphthalein wali reactions bhi aa jandi hai, but zyada tar mcqs de vich aandi hai, theory paper ch bahut ghat aayi hai, eh theory paper layi apanu azo dyes wali zyada important hai. Clear? Now so come on to the next reaction now. So the next reaction from phenols is reduction. ये अपन कर चुके हैं, but मैं just एक बार सुनो revise करवा रहे हैं. So देखो बच्चे, this is phenol. ठीक है? So इस दी reduction मैं दो ways नाल कर सकता हूँ. देखो तो उसी खुद बोलोगे कि yes sir, ऐसा हो सकता है. So, एक वे तो मेरे को आ है कि मैं इसका ओ आउट करता, तो जो ओ रिमूव हो गया तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. दूसरा वे बच्चे यह है कि मैं इसके डबल बॉन्ड्स रिड्यूस करते, ये भी रिडक्शन है. जिड़ी उपर वाली रिडक्शन है दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिड़ी नीचे वाली रिडक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. उपर वाली आपने की हुई है. सो आप इस पावे जिंक डस्ट, याद है कि नहीं, तो जेड एन ओ आउट हो जूगा, तो अपने को रिडक्शन होगी फिनोल दी टू बेंजीन. सो बेंजीन बन गई. नीचे वाली रिएक्शन लिए बच्चे आप पावे निकल एट 533 केल्विन, वो आपां नूं देगा 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजनस बेंजीन दे डबल बॉन्ड्स के उपर एड हो जाएंगे, एंड वील गैट साइक्लो हैगजनॉल, एंड वील गैट साइक्लो हैगजनॉल. फाइन इनफ? क्लियर? सो दिस इज अबाउट द रिडक्शन ऑफ फिनोल्स विद निकल. क्लियर? डन आई होप. ठीक है. सो विद दिस वी कंप्लीट आर रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स. हुन आपा कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बच्चे समअप करने हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स. ठीक है. सो देखो जरा हुन गौर नाल. सो अगर अपन नूं आंदा है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश फिनोल फ्रॉम कोई भी एल्कोहल, तो आप पिछले दिनों काफ़ी सारे टेस्ट किए हैं. नाउ सब तो ईजी एंड फर्स्ट मैथड इज लिटमस टेस्ट. आपां पता है लिटमस टेस्ट दे विच की हुंदा है, एसिड जिहड़े हुंदे ने दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो फिनोल्स आर एसिडिक दे विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, जबकि एल्कोहल्स दे विल नॉट, क्योंकि एल्कोहल्स तो बेसिक हुंदे ने, पीएच इज अबव 7, है ना. नंबर टू आपने किया FeCl3 टेस्ट, फिनोल्स विल गिव वॉयलेट कलरेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, याद है ना, फेरिक फिनॉक्साइड. क्लियर? एल्कोहल्स विल नॉट. थर्ड आपने कल वाले लेक्चर से किया है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फिनोल्स विल गिव वाइट पीपीटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल. फोर्थ टेस्ट बच्चे आपने किया नाइट्रेशन टेस्ट, फिनोल्स च अपने कोल बनूंगा येलो कलर का पीपीटी. ठीक है, ये भी कल ही किया सी, एल्कोहल्स वो येलो पीपीटी नहीं देंगे. ठीक है. फिर आपने फिफ्थ टेस्ट अज कर लिया एजो डाय फॉर्मेशन टेस्ट, एजो डाय फॉर्मेशन टेस्ट, तो जेडे फिनोल्स है दे विल गिव ऑरेंज कलर, जिहड़े एल्कोहल्स ने दे विल नॉट गिव. ठीक है, अज ही किया है. तो
ਨਾਓ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨ ਟੈਸਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਨੋਲਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਲਕੋਹਲਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨ ਟੈਸਟ। ਕੈਨ ਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰ ਸੈਰਿਕ ਐਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ, ਸੈਰਿਕ ਐਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ। ਇਹ ਫਿਨੋਲਸ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਗਿਵ ਰੈੱਡ ਕਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਰੈੱਡ ਕਲਰਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਡਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਐਲਕੋਹਲਸ ਐਂਡ ਫਿਨੋਲਸ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੇ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲਸ। ਇੱਕ 1 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਇੱਕ 2 ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਇੱਕ 3 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1 ਡਿਗਰੀ, 2 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 3 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਲੂਕਾਸ ਟੈਸਟ, ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੂਕਾਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਐਲਕੋਹਲਸ ਆਰ ਕਲਰਲੈਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਚ ਸੀ ਐਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਐਲਕਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਰਬਿਡ। ਯਾਦ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲਰਲੈਸ ਤੋਂ ਟਰਬਿਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਔਨ ਟਰਨਿੰਗ ਟਰਬਿਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਟਰਬਿਡਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਊਗੀ? ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਟਰਸ਼ਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟਰਬਿਡ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਲਕੋਹਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਟਰਬਿਡਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਦੈਨ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਟਰਸ਼ਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਔਰ ਅਗਰ 30 ਮਿੰਟਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਰਬਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੈਨ ਦ ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ 1 ਡਿਗਰੀ ਬੱਚੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਏ ਲੂਕਾਸ ਟੈਸਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਸਟ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਿਕਟਰ ਮੇਅਰਸ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਕਟਰ ਮੇਅਰਸ ਟੈਸਟ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਡਿਗਰੀ, 2 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 3 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਨਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ 1 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਬਲੱਡ ਰੈੱਡ ਕਲਰ। 1 ਡਿਗਰੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਬਲੱਡ ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਬਲੂ ਕਲਰ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨੀ ਕਲਰ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਚ ਆਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਏ ਜੀ ਐਨ ਓ 2, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨਾਈਟਰਸ ਐਸਿਡ ਐਚ ਐਨ ਓ 2, ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਨ ਓ ਐਚ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ। ਐਚ ਆਈ, ਏ ਜੀ ਐਨ ਓ 2, ਐਚ ਐਨ ਓ 2, ਐਨ ਓ ਐਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ, ਬਲੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਟਰਸ਼ਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਉਸਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਦਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਡਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਐਚ ਆਈ, ਐਚ ਆਈ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਓ ਐਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੋਊਗੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਚ ਆਈ ਐਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓ ਐਚ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾਏ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਏ ਜੀ ਐਨ ਓ 2, ਅਗੇਨ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ। ਕਿਉਂ ਕਾਮਨ ਬੱਚੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਜੀ ਐਨ ਓ 2 ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਨ ਓ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ,
तो ओ भी कॉमन है। सो पहले केस च बन जूगा आर सी एच टू एनओ टू, दूसरे केस च आर टू सी एच एनओ टू, तीसरे केस च आर थ्री सी एनओ टू। फाइन, आई विल बी रिप्लेस्ड बाय एनओ टू। नाउ फिर आप इस च पाया एच एनओ टू। सो हुण इत्थे फर्क पऊगा बच्चे, जिहड़ा इहदा एच टू है वह इहदे ओ नाल आउट, अपने कोल बन जूगा आर सी एनओ टू। सो देखो दो एच टू आउट हो गए, दो बॉन्ड खाली, उहदी जगह ते एच एनओ टू का बचा होया एनओ एच लग जूगा, जिसनों आप बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, जिसनों आप बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। हुण इत्थे की है बच्चे, इत्थे देखो इहदे कोल एच टू तां है नहीं, इहदा एच ते इहदा ओ एच आउट होगा, तो अपने कोल बनूगा आर टू सी एनओ टू, तो इत्थे लग जूगा एनओ, तो इसनों आपां कहने हैं सूडो नाइट्रोल। फाइन, हुण बच्चे जो तुसी इस दे विच एच एनओ टू पाओगे टर्शरी दे विच, तो इहदे कोल तां एच ही है नहीं, सो नो रिएक्शन, इत्थे कोई रिएक्शन नहीं होगी। थर्ड स्टैप, हुण जो तुसी इहदे विच फोर्थ स्टैप सॉरी एनओ एच पाओगे, तो जिहड़ा नाइट्रोलिक एसिड है ਉਹ ਐਨ ਏ ਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਰਕ ਰੈੱਡ, ਬਲੱਡ ਰੈੱਡ ਕਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਡੋ ਨਾਈਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਐਨ ਏ ਐਚ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਬਲੂ ਕਲਰ, ਐਂਡ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਵਿਕਟਰ ਮੇਜ਼ ਟੈਸਟ। ਆਫਟਰ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਆਰ ਐਡਡ, 1 degree ਐਲਕੋਹਲਸ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਬਲੱਡ ਰੈੱਡ ਕਲਰ, 2 degree will give you blue color and 3 degree will not provide you any color. ठीक है बच्चे, so this is about distinguishing of different types of alcohols from each other. So last अपा कुछ alcohols करांगे बच्चे। देखो सब तो पहला हुंदा है absolute alcohol. ठीक है, absolute alcohol की हुंदी है, this is सो एब्सोल्यूट एल्कोहल बच्चे की होंगी अपने को, दिस इज 100% प्योर इथेनॉल। ठीक है, 100% प्योर इथेनॉल। फिर दो टर्म्स होंगे अपने को, एक होंगी है मिथाइलेटेड स्पिरिट और एक होंगी है बच्चे डी नेचर्ड स्पिरिट। ठीक है, जो डी नेचर्ड स्पिरिट होंगी, ये दोनों चीज़ा की होंगे ने, ये बेसिकली इथाइल एलकोहल नू ड्रिंकिंगली अनफिट करने लिए आपां उदे विच ऐड करते हैं, मतलब ड्रिंकिंगली अनफिट करने लिए बनाने हैं। सो देखो डी नेचर्ड स्पिरिट बेसिकली होंगी है बच्चे 95.13% इथेनॉल प्लस 4.87% मीथेनॉल। सो सिंस मीथेनॉल इज पॉइजनस, इट मेक्स इथेनॉल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जो मिथाइलेटेड स्पिरिट है वह होंगी है 90% इथेनॉल प्लस 9% मीथेनॉल प्लस 1% अदर पॉइजनस सबस्टांसिस लाइक जिदा कि पिरीडीन, एसीटोन एटसेट्रा। ठीक है, ये दोनों काम आप करते हैं जस्ट टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। फिर अपने को लिख हुंदा है बच्चे पावर अल्कोहल, पार अल्कोहल, ये की हुंदा है 80% पेट्रोल प्लस 20% इथेनॉल। ये आप क्यों बनाने हैं, जस्ट टू मीट द नीड्स ऑफ एनर्जी। आप कहने ना कि बहुत जल्दी फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं, डीजल पेट्रोल की शॉर्टेज हो रही है, रेट बढ़ रहे हैं, तो आप की कहने हैं कि अगर 80% पेट्रोल अगर आप 20% इथेनॉल मिक्स कर दिए तो इंजन की एफिशियंसी पावर क्वालिटी के उत्ते कोई फर्क नहीं पैंदा, बट अपना रेट डिक्रीज हो जूगा, या कह लो आप फॉसिल फ्यूल्स नू बचा लाँगे, क्योंकि एल्कोहल्स तो फिर भी ईजीली प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है ना, बट ये याद रखना है कि पेट्रोल तो इथेनॉल ईजीली आपस के मिसिबल नहीं होंगे, सो आपां नूं कोई ना कोई थर्ड ऑरगैनिक सॉल्वेंट माइन्यूट मात्रा च पाना पैंदा, जिद्दां कि बेंजीन, ईथर, क्योंकि जिहड़े ये बेंजीन ईथर वगैरह ने ये पेट्रोल च भी
मिसिबल है, ईथेनॉल च भी मिसिबल है, तो यह दोनों आपस दे विच मिसिबल कर देंगे, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट पार एलकोहल। सो बच्चे विद दिस वी कंप्लीट आर एलकोहल्स एंड फिनोल्स। सो इत्थे साडा चैप्टर पूरी तरह वाइंड अप हो गया। नैक्सट आप स्टार्ट करांगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुमोरो, ठीक है। कल अपना एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स स्टार्ट होगा बच्चे, ठीक है ना। तो वॉट यू नीड टू डू इज कि उस तो अगले दिन, ठीक है ना। सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स तो बाद वील हैव अ टेस्ट फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ, या आप इदा करते हैं आप टेस्ट गैप पाने की बजाय, क्योंकि जो रेगूलर बच्चे ने उस तो एक दिन एडवांस चल रहे हैं, क्योंकि एक दिन आप छुट्टी करनी पै गई ग्रुप्स नू सेटिंग करन ते, तो हुण आपां उन्हां नू नाल ले आवांगे थोड़े। तो वॉट यू नीड टू डू इज कि थोड़ा टेस्ट कल होगा, ठीक है ना। अज अपना यह चैप्टर वाइंड अप हो गया। टुमोरो यू विल हैव अ टेस्ट फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स, अ रिटन टेस्ट फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। फाइन बच्चे, ठीक है, क्लियर। सो अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहो, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक्स अ लॉट।